आज आपको देते हैं एक दिलचस्प जानकारी। आखिर हमारे देश भारत में 7 सबसे ऊंची मूर्तियां कौन सी है? तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है स्टेचू ऑफ यूनिटी का, जिसकी ऊंचाई 597 फुट है। सरदार पटेल की महानता के चलते उनकी यादगार के रूप में नर्मदा नदी के पास एक सुंदर और भव्य मूर्ति बनाई गई है, जिसे स्टेचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। इसे देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। वीरा अभय अंजनेय हनुमान स्वामी की एक मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 135 फुट। राम भक्त हनुमान जी की यह ऊंची प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास परिताला शहर में स्थापित है। इसकी स्थापना 22 जून 2003 में हुई थी और यह 135 फुट की है। गौतम बुद्ध भगवान की एक मूर्ति लगी हुई है अमरावती में, जो ध्यान मुद्रा में है। आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर यह स्थित है और इसे अमरवती कहा जाता है। यह 125 फुट ऊंची है। इसके पश्चात कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ा जिले में भगवान शिव की मूर्ति मुरुदेश्वर शहर में स्थित है। मुरुदेश्वर का नाम भगवान शिव पर पड़ा है। यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव की जो मूर्ति है वह 122 फुट ऊंची है। दक्षिण सिक्किम के रावलड़ा के बुद्ध पार्क में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो 2006 और 2013 के बीच बनाई गई। इसकी ऊंचाई 128 फुट ऊंची बताई जाती है। इसके पश्चात आती है पद्मसंभव भगवान की मूर्ति। बौद्ध धर्म के ऋषि गुरु थे ये। पद्मसंभव का शाब्दिक अर्थ होता कमल से पैदा हुआ, और यह प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंडी जिले के मशहूर रेवालसर झील के पास एक विशाल मूर्तियों में से गिनी जाती है। इस मूर्ति की ऊंचाई 123 फीट है। इसी प्रकार तिरुवल्लुवार लंबी मूर्ति बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर कन्याकुमारी शहर के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 95 फुट की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की ये तमाम ऊंची मूर्तियां हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।